हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी हब। आज हम देखेंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो कि है रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ टॉर्क, इसमें देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क में हम देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल। नेक्स्ट इज डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क के थ्री पार्ट्स है, जो कि है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड ईडी करंट डैम्पिंग। और इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वीडियो के एंड में मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से हम कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी टू बी मेजर, जो कि करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल, किस किस वर्किंग प्रिंसिपल पे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज इंडक्शन इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। ये सारे वर्किंग प्रिंसिपल एक एक करके हम मेजरमेंट के लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है इंडिकेटिंग टाइप, सेकेंड है रिकॉर्डिंग टाइप, थर्ड है इंटीग्रेटिंग टाइप एंड फोर्थ है नॉन डिफ्लेक्शन टाइप। इंडिकेटिंग टाइप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो केवल हमें मेजरमेंट शो करता है पॉइंटर के थ्रू, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच डिस्प्ले द रीडिंग ओनली एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। इट डजंट हैव एनी स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, वंस वी स्विच ऑफ द सप्लाई द पॉइंटर कम्स टू जीरो पोजिशन। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन एंड मेगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच विल रिकॉर्ड द कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। हेयर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल। ओके, इसका एग्जांपल है ईसीजी, जो कि मेडिकल में यूज होता है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच विल रिकॉर्ड एज वेल एज एड द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इसमें समेशन भी होता है हमारा, जो कि एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में आपने देखा होगा, जो कि आपके घर में लगा होगा, जो कि मेजर करता है और वो एड भी करता जाता है कि पर डे कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ टॉर्क। टॉर्क कितने तरह का होता है, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है हमारा बेसिकली फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा होता है टॉर्क। ये है डिफ्लेक्टिंग टाइप, कंट्रोलिंग टाइप एंड डैम्पिंग टाइप। तीन तरह के टॉर्क होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। फर्स्ट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इनिशियल पोजिशन बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड थर्मल एक्सेट्रा। किसी भी प्रिंसिपल को यूज करके हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजिशन से पॉइंटर को मूव कराते हैं। तो उसके लिए हमें जिस टॉर्क की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग टॉर्क। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है तो क्या होता है, पॉइंटर मूव होता है, तो उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जिस टॉर्क का यूज करते हैं हम, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। ड्यू टू डिफ्लेक्शन टॉर्क पॉइंटर रोटेट्स कंटिन्यूअसली विच इज अनडिजायरेबल। ओके, सो वी नीड अनदर फोर्स इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट विच इज अपोज टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नोन एज कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट इज स्प्रिंग कंट्रोल एंड सेकेंड इज ग्रेविटी कंट्रोल।
Spring control, it is the most commonly used mechanism for producing controlling torque. ठीक है, most of the instrument are made up of spring control mechanism because of stiffness property of the spring. ओके, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है हमारा, क्या होता है के थीटा इक्वल टू टी डी, सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो गया, डैम्पिंग टॉर्क, वेयर टाउ सी क्या होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, टाउ डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, थीटा हो गया हमारा डिफ्लेक्शन एंगल एंड के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. ये हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है फॉर द स्प्रिंग कंट्रोल ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंटर है, ये स्केल है. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर हमारा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर हमारा इस तरफ लग रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके अपोजिट में लगेगा, तभी तो ये बैलेंस करेगा, है ना. जब हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा तब ये पॉइंटर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, ये जो स्प्रिंग है हमारा, ये किस मटेरियल का बना होता है, फॉस्फर ब्रोंज का. ये काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि जो स्प्रिंग हम स्प्रिंग कंट्रोल के लिए इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो बना होता है हमारा फॉस्फर ब्रोंज का. ये स्पिंडल है, जो स्पिंडल हमारा बना होता है स्टील का. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल. ग्रेविटी कंट्रोल में हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारा ये सिंपल डायग्राम है, वेट वन वेट टू. जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम यहां से प्रोड्यूस कराएंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ओके, तो ये पॉइंटर मूव करेगा इस तरफ, और वेट की वजह से ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन इसे क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. तो इस तरफ जाएगा तो वो क्या होगा हमारा W2 टू साइन थीटा, एंड डाउनवर्ड्स की तरफ क्या होगा W2 टू कोस थीटा. तो TC कंट्रोलिंग टॉर्क जो है हमारा, कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा W2 टू साइन थीटा. ये क्या होता है, दिस मेथड एलिमिनेट्स द लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल. नेक्स्ट है हमारा डैम्पिंग टॉर्क. डैम्पिंग टॉर्क हम यूज करते हैं फॉर द इलिमिनेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर. ठीक है, जब पॉइंटर हमारा किसी पॉइंट पे मेजर करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं, तो ये क्या करता है कि टू एंड अप एंड डाउन मूव करता रहता है. तो इसे रिड्यूस करने के लिए जिस टॉर्क का यूज करते हैं हम उसे कहते हैं, इसके तीन मेथड है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग. सो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है कि जो पॉइंटर होते हैं वे कनेक्टेड होते हैं एयर चैम्बर से. ठीक है, जब हमारा टीडी यहां लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो ये ऊपर की ओर फॉरवर्ड होता है, ये एयर चैम्बर में एक पिस्टन लगा होता है, जो कि जब ये अप डाउन होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि इसे स्टेबल करता है. ठीक है, व्हेन देयर इज ऑसिलेशन पिस्टन मूव्स इन आउट ऑफ द एयर चैम्बर, द एयर इनसाइड द चैम्बर कंप्रेस्ड एंड द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेस विच अपोज द मोशन ऑफ पिस्टन मूव्स आउट ऑफ द एयर चैम्बर. ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारा सेम एज इट इज होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरह, बस एयर के जगह पे हम यूज करते हैं ऑयल. ठीक है, सो इट इज मोर इफेक्टिव देन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग अलोन टू विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज सिमिलर टू एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ओनली डिफरेंस इज दैट इन प्लेस ऑफ एयर ऑयल इज यूज्ड. ठीक है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर. ओके, नेक्स्ट है हमारा
eddy current damping. When a sheet of conducting material moves in a magnetic field so as to cut line of force, eddy current are set up in it and force existing between current and magnetic field, which is always in the direction opposing the motion. Eddy current damping are used in PMMC instrument. Eddy current hamesha PMMC instrument mein use hota hai. तो चलिए इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs थे वो हम कवर करते हैं. फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द टाइम ऑफ रिस्पांस ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, डैम्पिंग सिस्टम या पार्ट ऑफ ज्वेल बेयरिंग. तो इसका आंसर हमारा होगा डैम्पिंग सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following instrument is an integrating type instrument? Wattmeter, energy meter, power factor meter या none of the above. Integrating type of instrument क्या था हमारा, जो recording भी करता हो और additive भी हो, वो क्या था हमारा, energy meter. तो हमारा answer क्या हो जाएगा, energy meter. Next question हमारा, the most suitable material for use as spring material for most of the application except in low resistance instrument is platinum silver, phosphorus bronze, silicon bronze या hard rolled silver. तो हमने क्या बताया था कि स्प्रिंग जो हम यूज करते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है, फॉस्फोर ब्रोंज. तो आंसर हमारा जाएगा फॉस्फोर ब्रोंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल्ड मीटर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या था हमारा, साइन थीटा. ठीक है, था ना, जो कितना हमारा ओमेगा टू साइन थीटा. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा. नेक्स्ट है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन जनरल विथ टेम्परेचर राइज. रेजिस्टेंस इंसुलेशन का क्या होता है, जो टेम्परेचर राइज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज स्लोली, डज नॉट चेंज. तो हमें पता है बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो आंसर हो जाएगा हमारा डिक्रीजेस. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वार्म वाटर, सॉल्ट वाटर, कोल्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर. तो सॉल्ट वाटर हमारा हो जाएगा आंसर. इन सब में सोल्ट वाटर सबसे ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, सोल्ट वाटर में कंडक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवंथ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेई के एग्जाम्स में, काफी एग्जाम्स में ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, आइडियली द डैम्पिंग टॉर्क शुड बी, डैम्पिंग टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग करेंट. नेक्स्ट है, प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग सिस्टम बट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग करेंट. हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैम्पिंग टॉर्क मस्ट ऑपरेट ओनली व्हेन द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली मूविंग, स्टेशनरी, जस्ट स्टार्टिंग टू मूव, नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन. तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा एक्चुअली मूविंग. नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट, स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, प्रोवाइड डैम्पिंग टॉर्क, लीड द करेंट टू मूविंग कोइल एज वेल एज प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क और प्रोवाइड लीनियर डिफ्लेक्शन. तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, लीड द करेंट टू मूविंग कोइल एज वेल एज प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज स्क्वायर लोड रिस्पॉन्स इट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी ओनली, बोथ एसी एंड डीसी, डीसी ओनली एंड नन ऑफ द अबव. तो बोथ एसी एंड डीसी, स्क्वायर लो रिस्पॉन्स में क्या होता है, बहुत एसी एंड डीसी के लिए यूज होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल इंक्रीज, साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल इंक्रीज, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट विल डिसॉल्व टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड हेंस विल अफेक्ट इट्स रीडिंग। तो करेक्ट रीजन क्या है हमारा, ये है। तो दिस इज आवर आंसर। सो ये 13 क्वेश्चन थे हमारे, जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।